नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 18, द लैंड अराउंड अस। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 18, द लैंड अराउंड अस। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट वी ऑल हैव सीन टू प्रीवियस वीडियो। हमने चैप्टर नंबर 18, द लैंड अराउंड अस के टू प्रीवियस वीडियो है वो लर्न किए। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट इंट्रोडक्शन के, मैंने आपको उसमें अर्थ का स्मॉल मॉडल दिखाया था और उसमें से आपको बताया था कि बहुत सारे उसमें लैंड फॉर्म्स है और बहुत सारी क्या है, वाटर बॉडीज है, राइट? तो उसके बारे में हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स सब के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में लर्न किया था। सो टुडे हियर स्टार्ट चैप्टर नंबर 18, द लैंड अराउंड अस। तो उसमें हम क्या लर्न करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ यानी हमारा जो अर्थ है उसका शेप कौन सा है, राउंड शेप है या स्क्वायर है या ट्रायंगल है? ओके, तो हमारी लैंड का जो शेप है वो कौन सा है, राउंड शेप है, लेकिन पूरा गोल राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऐसे एग आकार, एग जो होता है ना, एग यानी अंडा जो होता है ना, उसके शेप का होता है, राउंड शेप है लेकिन फुल राउंड नहीं, अंडे के आकार का होता है। द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे कि अर्थ है उसका जो शेप है वो कौन सा है और वेरियस लैंड फॉर्म्स है ऑन द अर्थ। अर्थ में कौन से वेरियस लैंड फॉर्म्स है, यानी अर्थ में लैंड है और वाटर है वो तो हमें मालूम है, लेकिन लैंड है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, सभी जगह पे लैंड है वो सेम नहीं होती है, राइट? कहीं पे प्लेन होती है, कहीं पे रेज्ड, जैसे कि प्लेन रेंड होती है ना, प्लेन यानी वहाँ पे हाउस बिल्डिंग वगैरह हम बना सकते हैं, लेकिन जो रेज्ड यानी जो माउंटेन एरियाज होता है वहाँ पे हम ऐसे हाउस बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बना सकते हैं, राइट? सो हम ये जो चैप्टर है उसमें क्या लर्न करेंगे, द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा होता है, शेप यानी आकार, उसका आकार कैसा होता है, एंड वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, वेरियस लैंड फॉर्म्स है वो हम देखेंगे, राइट? एंड देन नेक्स्ट, अर्थ इज राउंड इन शेप, वो मैंने आपको पहले ही बताया, राइट, कि अर्थ है वो कौन से शेप में है, राउंड शेप में है, राइट? एंड द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ है वो पूरी वाटर और लैंड से बनी है, राइट? एंड ओशियंस आर लार्ज एरियाज ऑफ सॉल्ट वाटर बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। यानी हमारा, मैंने जो वो आपको स्मॉल मॉडल दिखाया था अर्थ का, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 83 पेज नंबर। देखो यहाँ पे ये लैंड का पूरा जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है, राइट? तो आपने, मैंने भी आपको स्मॉल मॉडल उसमें बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि स्मॉल मॉडल में जो स्काई कलर का है, जो पार्ट स्काई कलर का था वो क्या था, वाटर बॉडीज थे, तो उसमें ओशियन वगैरह थे, सी एंड ओशियन। एंड जो पिंक कलर का था, फिर येलो कलर था, फिर ऑरेंज कलर का था, वो सारे थे वो लैंड फॉर्म्स थे, और जो स्काई ब्लू कलर था वो क्या था, वाटर बॉडीज यानी ओशियन, सी वगैरह। ओके, तो यहाँ पे ओशियंस आर लार्ज एरियाज ऑफ सॉल्ट वाटर बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, यानी ओशियन है वो बहुत ही लार्ज होता है, हमारा जो सी होता है ना उससे भी बड़ा। हाँ, मैंने उस टाइम बताया था ना आपको, जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि ओशी है उससे भी कहीं गुना बड़ा होता है।
कॉन्टिनेंट मतलब हमारे जो महाद्वीप होते हैं, बहुत ही बड़े महाद्वीप होते हैं, उसके बीच में सोल्ट वाटर और ओशियन का वाटर कैसा होता है, हाँ आपको पता है ना, सोल्टी वाटर होता है। कभी भी आप सी में गए हो ना, बाथिंग वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे मस्ती कर रहे हो, अगर उसका पानी आपके मुंह में चला जाए तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है, सोल्टी होता है ना। हाँ, तो ओशियन है वो बहुत ही बिग होता है और लार्ज एरिया बिटवीन बिटवीन सोल्ट वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड द अर्थ डिवाइड इनटू सेवन कॉन्टिनेंट्स। द अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसमें आपने जो पार्ट देखा था ना, मैंने दिखाई थी आपको कि ये पिंक कलर है, ये येलो कलर है, ऑरेंज कलर था, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कलर थे वो थे कॉन्टिनेंट्स। क्या है कॉन्टिनेंट्स, तो हमारे हमारा जो पूरा अर्थ है वो सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है। कितने, सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है इंटू सेवन कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। कितने हुए, सेवन, फाइव एंड ऑल्सो टू, यानी फाइव एंड और टू यानी सेवन। तो वन मोर टाइम हम फिर से रिपीट करते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, सेवन, राइट। तो ओके, तो हमने ये जाना कि सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियन कितने होते हैं, ओके। तो सो फाइव बिग ओशियन इन द अर्थ, ओशियन कितने होते हैं, फाइव। ओशियन बहुत ही बिग एरियाज में होते हैं, राइट। तो हमने देखा था कि वो स्मॉल मॉडल था लेकिन उसमें स्काई ब्लू कलर था, वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जो हमारा ओशियन है वो पूरे अर्थ में कितना पार्ट है, कितना पार्ट है पता है आपको, द ओशियन कवर अबाउट 70% ऑफ द अर्थ है। इतने बिग एरियाज में ओशियन है, ओशियन कितने हैं, फाइव, ओनली फाइव। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, हाँ सेवन है ना, तो सेवन बड़े की फाइव, ओके। सेवन ज्यादा होते हैं ना, फिर भी सेवन ज्यादा है कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, बहुत ही जो मैंने आपको बताया था ना, येलो एरियाज, पिंक एरियाज, ऑरेंज एरियाज, वो सारे महाद्वीप थे, वो सेवन है, फिर भी इतनी इतना जो अर्थ है उसको कवर नहीं किया है, इतना कवर कौन कर रहा है, ओशियन। तो आप माइंड से, अपने माइंड से डिसाइड कर सकते हो कि ओशियन कितने बड़े होंगे, जो पूरी अर्थ में 17% है वो एरियाज वो उसने कवर कर लिया है, राइट। पूरे अर्थ में 70% जो है, 70% ये है 70 जो प्रतिशत है वो उसमें क्या है, वाटर, और 30% ये क्या है, लैंडफॉर्म्स, लैंड, राइट। तो आपने देखा 70% वाटर है पूरे अर्थ में और 30% लैंड है, और ये लैंड में सेवन कॉन्टिनेंट्स है एंड ये वाटर जो है जो 70% है उसमें फाइव ओशियन है, राइट, फाइव ओशियन से। तो आपने देखा कि ओशियन है वो बहुत ही बिग है और इससे हमें इतना लर्न किया कि पूरा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, हाँ अर्थ का शेप कैसा है, राउंड, ओके। एंड अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ पूरी है वो लैंड और वाटर से बनी है, राइट। एंड हमने देखा कि ओशियन है वो लार्ज एरिया में डिवाइड है, लार्ज एरिया में डिवाइड है, और हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सेवन। उसके नेम हमने रीड किए टू टाइम्स, यू शुड रिमेंबर सेवन कॉन्टिनेंट्स नेम, आप ये याद रखना है, या तो आपकी टेक्स्ट बुक में जब भी मैं वीडियो में बोल रही हूँ तो आपको भी राइट मार्क करते जाना है, राइट करते जाना है। एंड हमारे ओशियन कितने हैं, फाइव, ओशियन कितने हैं, फाइव। हमारी जो पूरी अर्थ है उसमें 70% वाटर है और 30%
लैंड है, राइट। तो हमने इतना क्लियर कर लिया कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो राउंड शेप का है, उसमें वाटर और लैंड फॉर्म से बना हुआ है, 70% वाटर है हमारे अर्थ पर और 30% क्या है लैंड है, राइट। आगे भी हम बहुत ज़्यादा हमारी जो अर्थ अराउंड अर्थ है, लैंड अराउंड अर्थ है, उसके बारे में लर्न करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।